कुत्तों की गिनती ऐसे जानवरों में होती है जिसे इंसान का सबसे करीबी दोस्त कहा जाता है, जो कई लोगों के लिए उनके परिवार का एक हिस्सा होते हैं। लेकिन अगर वही परिवार का हिस्सा किसी की मौत की वजह बन जाए तो? दरअसल कुछ ऐसा ही मामला दुनिया के सबसे रोमांटिक शहर पेरिस से सामने आया है, जहां एक प्रेग्नेंट महिला को अपने पालतू कुत्ते को घुमाने की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। दरअसल 29 साल की एलिसा पिलास्की नाम की महिला 6 महीने प्रेग्नेंट थी। ये प्रेग्नेंट महिला अपने कुत्तों को सैर कराने निकली थी और इसी के दौरान एलिसा पर कुछ आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया और कई जगह महिला को काट लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। आपको बता दें कि एलिसा के शरीर पर कई जगह कुत्तों के दांतों के निशान मिले। केस की जांच करने वाले अधिकारी के मुताबिक एलिसा के शव की जांच के साथ साथ उस इलाके के करीब 93 कुत्तों के साथ एलिसा के पालतू कुत्तों की भी जांच की गई, जिसके बाद एलिसा की हत्या करने वाले 5 कुत्ते मिले। एक लोकल अखबार के मुताबिक एलिसा जब वहां अपने कुत्ते के साथ घूम रही थी तब काफी कुत्ते भौंक रहे थे, जिसके बाद उसने अपने पति को कॉल करके बोला कि उसे लग रहा है कि कुछ जंगली कुत्ते उस पर हमला कर सकते हैं। मगर जब तक एलिसा का पति उसके पास पहुंचते वो मृत पड़ी हुई थी। एक लोकल टीवी चैनल के मुताबिक एलिसा पर हुए हमले का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उसके होंठ, सिर के साथ साथ शरीर का काफी हिस्सा खून से लथपथ था। आपको बता दें कि जिस जगह ये हमला हुआ वो पेरिस का 13,000 हेक्टेयर का जंगल है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है।